हाइड्रोपोनिक्स का मॉडल है, जैसे हम देखते हैं कि हम मिट्टी में पौधे उगाते हैं, उसी तरीके से हम बस मिट्टी के बिना कैसे पौधे उगाए, इसका ये डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल है। तो इसमें हम लीफी वेजिटेबल्स है, जैसे लेटूस होगा, लेटूस है, पॉक चाय है, देन अब हम इसमें उगा सकते हैं। इसको हम रूट्स को पानी में, रूट्स रहेंगे पानी में इसके, और पानी में हम न्यूट्रिएंट्स भी सोल्यूशन जो वाटर में पानी में घुलते हैं, वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सब हम पानी में मिक्स करके डालेंगे। उसमें पानी कंटिन्यूसली फ्लोइंग रहेगा, कंटिन्यूसली वाटर पानी फ्लोइंग रहेगा, और उसमें हम जैसे कि ये जो इसके रूट्स है इसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, इसलिए ये पानी कंटिन्यूसली फ्लोइंग रहेगा। ओके, और ये जब हम देखते हैं कि जहाँ पे जमीन मतलब एरिया कम है, जैसे हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी सिटीज में, मेट्रोपोलिटन सिटी में जगह कम है, लेकिन हम कम जगह में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगा सकते हैं। और हम कम जगह में इसको अगर हम पुणे मुंबई साइड जाएंगे तो वहाँ पे हम घर पे जैसे हम बगीचा चाहिए हमको गार्डन छोटा सा वेजिटेबल गार्डन, ऐसे हम घर में भी लगा सकते हैं, अपने बालकनी में भी रख सकते हैं। और अगर हम जैसे कमर्शियल देख सकते हैं तो नासिक में जाएंगे आप तो जो हल्दी का जो है, हल्दी का भी बहुत बड़ा कमर्शियल प्रोडक्शन वहाँ पे ले रहे हैं, तो कम जगह में ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। किस किस वेजिटेबल्स का हम प्रोडक्शन ले सकते हैं? किस किस लीफी वेजिटेबल जिसको कम जगह लगती है, उसमें लेटूस आएगा, पॉक्चा आएगा, उसके बाद में हम इसमें भी ये भी ले सकते हैं, पाइन एप्पल ले सकते हैं, जैसे उसके बाद में स्ट्रॉबेरी भी लगा सकते हैं। अच्छा, ऐसे लगा सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अभी तो जब रिसर्च चालू है जिसमें सक्सेसफुल है वो लेटिस में बहुत ज्यादा जो है, जो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन लेटिस में हो रहा है। उसके बाद में जो हल्दी है टर्मरिक, उसमें भी कमर्शियल बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू।